Hey guys, welcome back to my YouTube channel. तो guys, कैसे हैं आप सब? Hopefully guys, आप लोग बहुत बढ़िया होंगे. मैं भी बहुत बढ़िया हूँ guys. Guys, आज मुझे सुबह सुबह कॉल आया है यामा शोरूम से. और वो किस लिए आया है? क्योंकि मेरी बाइक की जो सर्विस है वो ड्यू हो रही है. एक महीना ऑलमोस्ट हो चुका है मेरे को बाइक लिए हुए. और सीरियसली बताऊँ तो मैं बिल्कुल भूल चुका था कि बाइक की सर्विस करानी है. वो तो अच्छा हुआ वहाँ से कॉल आ गया तो मेरे को याद आ गया कि हाँ यार, बाइक की सर्विस भी करानी है. नहीं तो बाइक की सर्विस नहीं हो पाती और प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती थी. तो बट अब ऐसा नहीं होगा, बाइक की सर्विस करा लेंगे. सीधा चलते हैं बाइक के शोरूम और मिलते हैं आपसे बाइक पर. तो गाइज, मैं आ चुका हूँ अपनी बाइक पर और सर्विस सेंटर पहुँचने में थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ. बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे और जल्दी काम करवा लेंगे. क्योंकि उनका कॉल जो है वो सुबह ही आ गया था और अभी लगभग 3 बज रहे हैं तो थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ मैं. वैसे अभी नई बाइक है और इसकी सर्विस में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि बस उन्हें चेक करना होता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. और मुझे कोई प्रॉब्लम लग भी नहीं रही है तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं. बट फिर भी थोड़ा बहुत जो प्रोसीजर रहता है वो तो होगा ही. बाकी चल के देखते हैं कि क्या होगा. एंड गाइज, एक बात और, मैंने यामाहा के इंजन के बारे में काफ़ी सुना है. काफ़ी लोग तारीफ़ करते हैं कि बहुत स्मूथ इंजन होता है. यामाहा की बाइक्स में जो इंजन होता है वो सबसे बेस्ट होता है, ऐसा मैंने सुना है जितनी भी बाइक कंपनीज़ हैं उनके कंपैरिजन में. और लिटरली बताऊँ तो मेरे को ऐसा फील भी हो रहा है कि यार, यामाहा का जो इंजन है वो सही में बहुत स्मूथ है, बहुत रिफाइंड है. इतनी स्मूथ चल रही है बाइक कि मतलब बाइक की सर्विस ना भी हो तब भी बहुत बढ़िया है. और आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अभी तो बाइक नहीं है तो स्मूथ तो चलेगी. बट फिर भी गाइज, मैंने पहले भी बाइक ली थी, जैसे मैंने अपनी एवेंजर ली थी तब भी मैंने स्टार्टिंग में चलाई थी. बट वो उतनी स्मूथनेस नहीं थी उसके अंदर जितनी स्मूथनेस इसमें लग रही है, इसके इंजन में लग रही है. तो कुछ तो बात है यामाहा के इंजन में जो लोग इतनी तारीफ़ करते हैं. और अभी मेरी बाइक ज़्यादा चली भी नहीं है और एक बार जब इसके 1000 किलोमीटर्स हो जाएंगे तो मैं एक परफॉर्मेंस रिव्यू भी दूंगा इसका कि बाइक 1000 किलोमीटर्स तक कैसी लगी मेरे को, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या मेरे को बुरा लगा. तो 1000 किलोमीटर के बाद में आपके लिए मैं एक रिव्यू लेके आने वाला हूँ. बाकी मैं श्योर हूँ कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. यामाहा ने जो अपनी इमेज मार्केट में बना रखी है वो गलत साबित नहीं होगी. एंड यामाहा की एक ख़ास बात और है कि अपनी बाइक्स को अपडेट बहुत जल्दी देते हैं. अपनी बाइक को पुराना नहीं होने देते कि लोगों को लगे अब तो ये पुरानी हो गई, अब हम नहीं लेंगे. अपडेट आते रहते हैं, हर 2 साल में 1 साल में ये अपडेट दे देते हैं. R15 की जो स्टार्टिंग फर्स्ट जनरेशन थी उसके बाद से अब V4 आ गई है और उसमें भी इन्होंने अपडेट दिया है. M भी आ गई है और उसमें मॉन्स्टर भी आ गई है. तो काफ़ी ज़्यादा अपडेट दे चुके हैं ये R15 में. बाकी MT में ये सेकेंड जनरेशन आ गई है और FZ जो 150 वाली है उसमें भी काफ़ी इन्होंने चेंजेस किए हैं अभी तक जब से वो लॉन्च हुई है. तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि यामाहा अपनी बाइक्स में अपडेट बहुत अच्छे वाले देता है, बहुत जल्दी जल्दी देता है, जिससे कि बाइक्स पुरानी नहीं लगती हैं कि पुरानी हो रही है अब इसको नहीं लेंगे. तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है यामाहा की. और गाइज, एक चीज़ और अच्छी हुई है मेरे साथ कि जो यामाहा शोरूम है बाइक का उसी के नीचे ही सर्विस सेंटर है. तो मेरे को ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से मैंने बाइक ली है वहीं पे मेरी सर्विस भी हो जाएगी. तो ये भी एक प्लस पॉइंट है. और गाइज, ये देखिए, ये इंडियन नेशनल फ्लैग देखिए कितना प्यारा लग रहा है. देखिए क्या होगा आपको. तो यार, मैं सर्विस सेंटर पहुँच गया हूँ. अब बाइक का बनवाते हैं जल्दी से जॉब कार्ड और फिर सर्विस कराते हैं. तो गाइज, जॉब कार्ड बन चुका है, ये रहा, और बाइक सर्विस पे दे दी है. बाकी अभी बाइक में लगेगा टाइम, ऑलमोस्ट 6 बज जाएंगे बाइक मिलते मिलते. तो तब तक मैं क्या करूँगा मेरे को कुछ पता नहीं है. बाकी मैंने सोचा है कि अपने फ्रेंड को बुला लेता हूँ और उसके यहाँ ही चला जाऊँगा, ज़्यादा सही रहेगा. और 6 बजे के आसपास वापस आ जाऊँगा. गाइस, अभी बाइक दी है सर्विस पे और यहाँ पे मेरे को एक बहुत ही तगड़ी चीज़ दिखाई दी है, ये मैं आपको भी दिखाता हूँ. ये देखिए गाइस, ये है R15 V3 और कलर स्कीम देखिए आप कितनी प्यारी लग रही है. ये इन्होंने कस्टमाइज़ करा रखी है. ये जो कलर है ये नॉर्मली आता नहीं है, इन्होंने अलग से स्कीम कराई है, बहुत ही प्यारी लग रही है. अब यहाँ से देखिए, ये जो बाइक है ये भैया सर मेरी बात हुई, इन्होंने जो है ये बाहर से कराई है. उस साइड से भी दिखाता हूँ मैं आपको. ये देखिए यहाँ की साइड से. और इस पेंट स्कीम को देख के ऐसा मैं सजेस्ट करूँगा यामाहा को, इस कलर स्कीम में भी आपको एक बाइक लॉन्च करनी चाहिए R15 V. ये बहुत प्यारा कलर लग रहा है. बाकी बाइक थोड़ी सी गंदी लग रही है, थोड़ी सी धूल वगैरह भी है इसके ऊपर, यहाँ देखिए. बट बाइक जो है ओवरऑल बहुत तगड़ी लग रही है. ये इसकी फ्रंट प्रोफाइल है, तो बहुत ही सही लग रही है. ये देखिए गाइस, अपनी बाइक सर्विस हो चुकी है, मैं यहाँ पे आया और अब बस बाहर निकालेंगे. बिलिंग वगैरह भी मैंने करा ली है, अब बाहर लेके चलते हैं और फिर सीधा घर.
अपनी बाइक बाहर आ चुकी है, अब इस पर होगी पॉलिश, ये भैया पॉलिश करेंगे और फिर हम लेके जाएंगे अपने घर। हाँ भैया मेरे से परमिशन ले रहे थे कि मैं पॉलिश मार दूँ, वहाँ लेके जाएंगे ये पॉलिश लगाने। तो गाइज़ मैं आ चुका हूँ गोप्रो पे और अपनी बाइक एकदम चलने को तैयार है, तो चलते हैं और राइड करते हैं। तो यार मैंने सोचा था कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सर्विस होने में, बट काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। अब ऑलमोस्ट 7 बज रहे हैं, अब जाके मेरे को अपनी बाइक मिली है। वैसे गलती मेरी ही है, मैं ही आने में लेट हो गया, 3 बजे तो मैं घर से ही निकला था, तो इतना तो टाइम होना बनता था। बाकी यार ये अच्छी चीज़ है कि अपना काम हो गया, अपनी बाइक सर्विस हो गई है, और सर्विस होने का मतलब है कि अब मैं अपनी बाइक को थोड़ा सा रेव कर सकता हूँ, थोड़ी सी भगा सकता हूँ। तो अब नेक्स्ट व्लॉग में थोड़ा सा भगाएंगे भी, और एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। सरप्राइज़ का मैं आपको बता ही देता हूँ कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं अपनी बाइक का नाम रखने वाला हूँ। तो क्या नाम रखने वाला हूँ ये आप नेक्स्ट व्लॉग में ही देखिए। बाकी अब कोई काम है नहीं, सीधा जाना है घर, तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप सबको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय।